दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली 7वीं राज्य प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। आयोग ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी और कहा कि वह विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले में प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करेगा। हालांकि इससे पूर्व ही उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इसी मामले से जुड़ी एक अन्य रिट याचिका खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। तो ये सब बातें तो है ही, लेकिन अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस वर्ष जेपीएससी की मुख्य परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं तो क्या है इसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको सभी पेपर्स का 1x1 करके डिटेल एनालाइज बताऊंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, तो वह आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द मेन एग्जामिनेशन ऑफ द झारखंड सिविल सर्विसेज, यानी कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की डिटेल सिलेबस क्या है, आइए जानते हैं। द मेन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 6 कंपल्सरी पेपर्स, यानी कि कुल मिलाकर आपको 6 पेपर्स इसके लिए देने होते हैं। Common to all candidates, two of these papers, namely paper 1, which is of 100 marks, यानी कि जो paper 1 होता है वो आपका 100 अंकों का होता है और paper 2 आपका 150 marks का होता है, shall be language based and the remaining 4 papers, each of 200 marks, shall be subject based, यानी कि जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है, जो इसका paper 1 होता है वो 100 marks का है, पेपर 2 आपका 150 मार्क्स का है और जो बाकी के जो 4 पेपर्स हमारे बच गए हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद द लैंग्वेज बेस्ड पेपर शैल बी, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज बेस्ड पेपर है वो हमारा पेपर 2 है और अ कंपोजिट पेपर ऑफ जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश एंड अ लैंग्वेज एंड अ लिटरेचर पेपर ऑफ सर्टन सेलेक्टेड लैंग्वेज ऑफ विच एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर वन, यानी कि इस पेपर में आपको या तो हिंदी इंग्लिश में से कुछ चुनना पड़ता है या आपको एक जनरल लैंग्वेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, उनमें से आपको किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट करना होता है। After that, the subject based paper shall be social science, यानी कि अब हम आते हैं हमारी जो 4 papers हैं, ये इनमें से हमारे जो 4 paper होते हैं उनमें से एक paper होता है हमारा social science का, जिसमें मुख्य रूप से हमारी history and geography, यानी कि इतिहास और भूगोल के बारे में हमसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा paper होता है हमारा Indian constitution, यानी कि राजनीतिक का, जिसमें पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के बारे में आपसे सभी सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही फोर्थ पेपर होता है हमारा लास्ट जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। तो ओवरऑल ये पूरा एक हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था जो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें कुल मिलाकर हमारे 6 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर आपका 100 अंकों का होता है, जो मुख्य रूप से हिंदी या इंग्लिश का होता है। सेकेंड पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, जो मेनली आपका लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी भी भाषा में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना पड़ता है। बाकी के हमारे 4 पेपर्स, यानी कि पेपर 3, 4, 5, 6, ये चारों पेपर आपके दोस्तों 200 अंकों के होते हैं और ये सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला जो पेपर है वो सोशल साइंस का होगा, दूसरा पेपर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, तीसरा पेपर इंडियन इकोनॉमी का और फोर्थ पेपर जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। अब हम बात करते हैं पेपर 1 यानी कि जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसका पेपर 1 होता है वो है जनरल हिंदी
एंड जनरल इंग्लिश का। इसमें कुल मिलाकर आपको 100 अंकों का ये इसके टोटल मार्क्स होते हैं और आपको 3 घंटे का जो अंतराल है वो इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, द जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश पेपर शैल बी अ कंपोजिट पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेगमेंट्स नेमली 1 हिंदी एंड 2nd इज इंग्लिश। यानी कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, पहला है हिंदी दूसरा है अंग्रेजी। Both the segments shall be of equal weightage, that is each of 50 marks. यानी कि जैसे हमने पहले आपको बताया कि ये total marks 100 का होता है, इसलिए जो दोनों इसके भाग हैं वो दोनों मिलाकर 50-50 अंकों के होते हैं। The purpose of the paper is to test the working knowledge of the candidates in the above 2 languages. यानी इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह उम्मीदवारों की, छात्रों की यह परख कर सके कि उन्हें बेसिक जो हमारी भाषाएं हैं उनका ज्ञान है भी या नहीं। As such, the questions to be asked in the both the segments of this paper shall be of matric standards only and shall be confined to the following areas. यानी कि जो भी इन दोनों पार्ट्स में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे मैट्रिक स्टैंडर्ड यानी कि जो हमने 10वीं कक्षा तक पढ़ रखी होती हैं चीज़ें, उन्हीं से बेस्ड इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसमें हाईलाइट कर रखे होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जनरल हिंदी का पेपर। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यह कुल मिलाकर 50 अंकों का होता है सिर्फ जनरल हिंदी का पार्ट। इसमें निबंध का सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन आता है जो आपको 400 शब्दों में लिखना होता है और ये आपका 15 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि अगर किसी प्रश्न में वर्ड लिमिट्स यानी कि शब्द संख्या जो है अगर वो निर्धारित की गई है तो आप प्रयास करें कि आप शब्द सीमा के अंतर्गत ही अपना उत्तर लिखें, वरना कई बार नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। दूसरा हमारा आता है व्याकरण जो भी आपका 15 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आता है वाक्य विन्यास एंड संक्षेपण जो 10-10 अंकों के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा जनरल हिंदी का पेपर होता है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर यानी कि जनरल इंग्लिश का पार्ट जो कुल मिलाकर 50 मार्क्स का होता है। इसमें भी सेम एज इट इज़ हिंदी की तरह सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका ऐसे का जो आपको 400 वर्ड्स में लिखना होता है, ये आपका 15 मार्क्स का होता है। देन आपका ग्रामर पोर्शन आता है जो भी आपका 15 मार्क्स का होता है। फिर कंप्रहेंशन एंड प्रोसेसेस आते हैं जो आपके दोनों 10-10 अंकों के होते हैं। तो ये कुल मिलाकर दोनों पेपर्स आपके टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और ये 100 मार्क्स भी हमें हमारी परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश मुख्य तौर से अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए एक ऐसी किताब जिसे दोस्तों आप पढ़कर इस पोर्शन में, इस पेपर में बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है GPSC झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी अनिवार्य विषय, यानी कि जो मेनली हमारे इस प्रश्न में आए हैं उन सभी के लिए, जो भी मेनली हमारे प्रश्न इस पोर्शन में आते हैं उन सभी का विषय जो है वो इस पुस्तक में दिया गया है। यह पुस्तक डॉक्टर मनीष रंजन जो IAS रह चुके हैं उन्होंने लिखी है और यह आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। वहीं अगर हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इट विल बी ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर इन विच आउट ऑफ 100 एवरी कैंडिडेट्स विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स। यानी अगर आपने ये कुल मिलाकर 100 अंकों का पेपर होता है, अगर आपने इसमें 30 अंक भी ला दिए तो आप दूसरे पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। दस इंक्लूशन ऑफ 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश कॉम्पोनेंट विल नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट द चांसेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड। यानी कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इंग्लिश वाले पार्ट में अच्छे अंक लाए और हिंदी में कम अंक लाए तो आपको पास कर दिया जाएगा, आपको दोनों ही पेपर्स में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना होता है। तो दोस्तों यह तो था हमारा पेपर 1 का पूरा डिटेल सिलेबस। अगर आप आगे के भी पेपर्स का डिटेल सिलेबस एनालाइज को जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जो मैंने आपको पुस्तक बताई थी GPSC झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी अनिवार्य विषय जो डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी है, इस पुस्तक को आप Amazon और Flipkart से खरीदना ना भूलें।
अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।